हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज के बाद जितने भी वीडियो दिन में आएंगे वो आपके कमेंट पे आधारित रहेंगे। आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, जो सवाल मुझसे पूछते हो, उसके बारे में वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट करें। आपका प्रॉब्लम अगर जेन्युइन लगेगा तो मैं ज़रूर अपने वीडियो में बताऊँगा, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले कमेंट की अगर हम बात करें तो ये आ रहा है सानू हिंदुस्तानी खान की तरफ से, 2 मिनट को वीडियो बनाकर कुछ भी बोलना बहुत आसान है पर ज़मीनी हकीकत इससे कहीं ज़्यादा अलग है। चलिए, आपके कमेंट की मैं कदर करता हूँ। बेसिकली आप जो बोलना चाहते हो अगर आप पूरे कमेंट में अगर लिख देते तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए समझने में भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता। बेसिकली इनका प्रॉब्लम है, जब हम लोग कोई भी यूट्यूबर्स जब ये बताते हैं कि रिकवरी एजेंट उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, बैंक कुछ भी नहीं करेगा, पर यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि बैंक वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, लीगल नोटिस भी भेजते हैं और रिकवरी एजेंट भी काफ़ी उनसे बदतमीजी करते हैं और एक नॉर्मल कस्टमर को समझ में नहीं आता इसको कैसे हैंडल करे। जब हम लोग वीडियो देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि रिकवरी एजेंट कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, पर प्रैक्टिकल लाइफ में इसे बिल्कुल भी अलग होता है। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बोलना चाहते हैं, वो लोग आपको डराते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं। अगर आपको वो डराएंगे, धमकाएंगे, अगर परेशान करेंगे तो आप लोग परेशान हो के पैसे की अरेंजमेंट कर दोगे। देखिए, ये जो पूरा खेल है ये यहाँ का है, वो लोग डरा के जब हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं पहले रिकवरी एजेंट भी रह चुका हूँ तो मुझे पता है कि हम लोग कस्टमर को किस तरह से डराते हैं ताकि पैसे की रिकवरी हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आपके पास राइट उतने हैं, पर एक नॉर्मल इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है जब उनके घर पर कोई भी रिकवरी एजेंट आता है। तो सबसे पहले आपके लिए एडवाइस है कि आप पहले अपने पूरे कमेंट को लिखें और कोई भी परेशानी आप कमेंट में लिखे, अगर मैं नहीं जवाब दूंगा उसके बाद आप बात करिएगा। चलिए दूसरे कमेंट के ऊपर बात करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा में। सर, मेरा पर्सनल लोन है, बैंक बोल रहा है कि आपका लोन राइट ऑफ हो गया और लीगल वाले आपके घर आएंगे, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। सबसे पहले आपका अगर कोई पर्सनल लोन है और आपका लोन राइट ऑफ हो गया है तो आप समझ लीजिए कि आपका लोन माफ़ हो गया है। देखिए, पर्सनल लोन में राइट ऑफ होने का मतलब क्या होता है, जब आपने कोई एक ईएमआई नहीं दिया होगा, 2 ईएमआई नहीं दिया होगा, 3 ईएमआई नहीं दिया होगा, एनपीए में गया होगा, उसके बाद जब बैंक को लगता है ना ये आदमी पैसे नहीं देने वाला, लोन को अपने लेजर से हटा के वो राइट ऑफ में डाल देता है। और राइट ऑफ क्या होता है कि राइट ऑफ के जितने भी लोन होते हैं जो रिकवर बैंक नहीं कर पाता उसको एक एजेंसी को बेच देता है। अब वो एजेंसी वाले क्या करते, आपको कॉल करके परेशान करते कि सर पैसे दे दो। आपको बैंक वाला क्वेश्चन नहीं, आपको बैंक वाला कॉल नहीं कर रहा है, वो एजेंसी वाला कॉल कर रहा है। अगर वो बोले ना आप लीगल एक्शन ले लेंगे तो सबसे पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा आपका कितना लाख का लोन है। पर्सनल लोन है तो 1 लाख का है, 2 लाख का है, 5 लाख का है, कितने लाख का लोन है और आपने किस तरह के लोन में लिया था वो भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो बैंक वाले यहाँ आपके साथ कुछ कर नहीं सकते और उनको बोलो अगर लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं तो आपको जो करना है कर लीजिए, क्योंकि फिलहाल आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। अगर राइट ऑफ हो गया तो आपके लिए तो लॉटरी लग गई, आपका लोन ऑलरेडी माफ़ हो चुका है, तो फिलहाल आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगले कमेंट को देखते हैं। बहुत होशियार हो भाई, बात क्यों काट दी, जिनके पास पैसे की उम्मीद नहीं है वो क्या करें, क्या उन्होंने घर पर जो लोन लिया है वो घर चला जाएगा तो वो क्या करेंगे, प्लीज़ रिप्लाई करें, ज़रूर रिप्लाई करेंगे। देखिए, ये सिर्फ आपके घर की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ये परेशानी है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग लोन लेते हैं तो उस समय पूरे से प्रिपेयर रहते हैं कि हमारे पास पैसा है, आपके पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स होगा तभी आपने लोन लिया है। आपने ज़मीन पे लिया होगा, आपने घर पे लिया होगा या घर खरीदने के लिए लिया होगा, आपने किसी भी तरह का कोई भी लोन लिया जो कि एक सिक्योर लोन है। सिक्योर लोन में सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होता है कि वहाँ पर सरफेसी एक्ट लगता है। अगर आप पैसे नहीं दे पाते हो तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपको सरफेसी एक्ट के तहत आपके प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपने पैसे की रिकवरी करते हैं। तो क्या इसका सलूशन कुछ भी नहीं है? देखिए, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 2 तरह के कस्टमर है, एक जिनको पता है कि शायद इतने दिनों के बाद मेरा पैसा आ जाए, दूसरे जब आप पूरी तरह से श्योर हो कि आपके पास अब पैसा आएगा ही नहीं और बैंक वालों ने आपको लोन दिया है और बैंक वालों को अपना पैसा चाहिए, तब आप मुझे समझाइए कि आपके पास क्या उम्मीद है। अगर आप ये प्रॉपर्टी होल्ड करके रखते हो, आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कुछ भी करते हो, देखिए बहुत सारे उपाय होते हैं, घर हो तो घर किसी और के नाम पे आप लीज़ करा दो, घर किसी और के नाम पे रेंट करा दो, आप हाई कोर्ट में जाके केस कर दो, आप उस पर स्टे ले लो, पर एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपके पास जब पैसे नहीं हैं तो आप कुछ भी कर लो, लास्ट में वो घर नीलामी हो जाएगा।
तो मैंने इसलिए बोला था कि अगर आपको परेशानी होगी, अगर आपके पास पैसे नहीं आने वाले, अगर उस प्रॉपर्टी को आप होल्ड करते हो तो लास्ट में आपके साथ परेशानी ही होगी और आपको लास्ट में प्रॉपर्टी देना ही पड़ जाएगा। हाँ, उनके लिए ऑप्शन है जिनके साथ परेशानी 1 या 2 महीने के लिए है, आपके पास पैसे आ जाएंगे, 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 1 साल बाद भी आए, तो वो लोग अगर हाई कोर्ट में चले जाते हैं, उस नोटिस के अगेंस्ट में स्टे लेके आ जाते हैं, तो उनके लिए एक बात है कि चलिए 1 साल के बाद वो प्रॉपर्टी का जितना भी अमाउंट निकलेगा उसको पे कर सकते हैं, ईएमआई जितना आएगा उसको पे कर सकते हैं। बिना मतलब का आप परेशान होंगे और आपके साथ ही नुकसान होगा, आप इसको समझिए। अगर आपने लोन लिया है तो बैंक एंड ऑफ द डे पैसे तो लेगा। अगर आपके पास पैसे है तो आप जरूरी प्रोसेस अपना सकते हैं। अगर कोई भी लीगल नोटिस आता है सरफेसी एक्ट का, आप तुरंत से हाई कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं और उस नोटिस के अगेंस्ट में स्टे ऑर्डर ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपके मन में भी कोई भी कमेंट हो, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो अपने लोन के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगे तो बढ़िया से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।